राशि नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में दिन के प्रारंभिक दौर में वातावरण प्रतिकूल रह सकता है। आपके कार्यों को आरंभ करने में विलंब हो सकता है, बाधा आ सकती है। अन्य सहकर्मचारी की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारी भी आपको निभानी पड़ सकती है। आज आपको नियत समय से ज्यादा समय तक कार्य करना पड़े ऐसा संभव है, लेकिन दिन पूरा होने तक आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे और अन्य क्षेत्र का अनुभव भी आज आपको मिल सकता है, जो आगे आने वाले समय में आपको बहुत उपयोगी होगा। शेयर बाजार में निवेश के लिए भी अनुकूल नहीं है। किसी भी प्रकार का निवेश आज ना करें, किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी आर्थिक जोखिम आज ना उठाए। पारिवारिक जीवन सभी तरह से सकारात्मक रहेगा। परिवार जीवन को बिगड़े हुए रिश्ते बनाने में आज आपको सफलता मिल सकती है। पूर्व काल में आपके द्वारा हुई गलतियों का पश्चाताप आपको हो सकता है, जो परिवार के साथ दीर्घ की यात्रा की योजना बनेगी। स्वास्थ्य के मामले में आज आप बाल्यकाल साबित होंगे। महिला वर्गों के लिए दिन ज्यादातर मुद्दों पर अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। महिलाओं को आरोग्य से जुड़ी हुई कुछ उपाय आज हो सकती है। इस वजह से उनकी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए दिन सभी तरह से आनंददायी और सकारात्मक रहेगा। बुजुर्गों का स्वास्थ्य पिछले दिनों के मुकाबले आज बेहतर रहेगा। बुजुर्ग व्यक्ति आज अधूरे कार्य पूरे करने में व्यस्त रहेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। बुजुर्ग व्यक्तियों को आज आकस्मिक रूप से धन लाभ भी हो सकता है। पूर्व काल में किए गए निवेश का आज बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है, या किसी सही दिन से बहुत दिनों से रुका हुआ धन पुनः प्राप्त भी हो सकता है। कुल मिलाकर मीन राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहे। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको दैनिक राशिफल बताया। मैं आशा करता हूँ आज बताई गई सभी बातें आपको वास्तविक जीवन में उपयोगी होगी। आप सबका आज का दिन शुभ रहे, आने वाला समय अति शुभ रहे, ऐसी आशा प्रार्थना के साथ मैं भावित नवे आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।